और अगली खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में आटे के ट्रक को लूटा जा रहा है। हैरान करने वाली तस्वीरें पाकिस्तान के पेशावर शहर से सामने आई हैं। तो पेशावर में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने आटे के ट्रक पर अटैक कर दिया। एक दो नहीं, पाकिस्तान के कई शहरों में आटे के लिए लाइन में लगे लोगों की तस्वीरें आ रही है। कई शहरों में तो आटे के चक्कर में लोगों की जान भी जा चुकी है। देखिए, रमजान के महीने में पाकिस्तान में दंगा हो रहा है। आटा लूटने के लिए पाकिस्तानी एक दूसरे की जान ले रहे हैं। सस्ता आटा मिलने की खबर सुनते ही पाकिस्तान में भगदड़ मच जाती है। पेशावर की पिक्चर देखिए, आटे का एक ट्रक है जिसे सैकड़ों लोगों ने घेर लिया है। एक बोरी आटा नीचे आते ही सैकड़ों हाथ उसकी तरफ लपकते हैं। ये ट्रक आटे की डिलीवरी करने आया है, पर ट्रक पर उतनी बोरियां नहीं है जितनी जनता चारों तरफ हाथ फैलाए खड़ी है। इंतजार करने के बदले लोग खुद ही ट्रक पर चढ़कर आटा नीचे उतारने लगे और मिनटों में ही पाकिस्तानियों ने मिलकर पूरा ट्रक लूट लिया। जितनी भीड़ ट्रक पर चढ़ी हुई है उससे ज्यादा लोग चारों तरफ से भागकर पहुंच रहे हैं। दूर दूर तक जहां भी देखिए भूखे पाकिस्तानी मारपीट कर रहे हैं। हंगरी पाकिस्तान आटे के लिए एंग्री है। आटे की एक एक बोरी के लिए छह छह लोग जंग लड़ रहे हैं। लड़ाई के चक्कर में पूरा आटा बिखर गया, पर पाकिस्तानी समझने को तैयार नहीं। आटे के लिए फाइट जारी है। अगर कोई बीच बचाव ना करे तो शायद ये उसकी जान भी ले लेंगे। पाकिस्तान की सड़कों पर आटे के लिए सिविल वॉर की वजह खुद वहां के लोगों से सुनिए। तीन दिन से हम आ रहे हैं, शेरीपुर जेल बहुत परेशान है। हमने मजदूरी भी, अपने रिश्ते ड्राइवर हैं हम, रिश्ते मजदूरी भी छोड़ी हुई है। तीन दिन से इधर आ जा रहे हैं, हमें आटा नहीं मिल रहा। अगर कोई सबके साथ मुझे दे दे तो मैं अल्लाह का शुक्र करूंगी। जो वैसे के साथ मुझे इसे आधा किलो भी मिलेगा तो भी मैं नहीं उठाऊंगी। पेशावर जैसे बड़े शहर की ये हालत है। इसे देखकर आप वहाँ के छोटे शहरों का अंदाजा लगा लीजिए। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ आटे का ट्रक दिखना बंद हो गया। अब सिर्फ वो लोग दिख रहे हैं जो इस ट्रक पर सवार। ट्रक इनके पीछे मानो छिप गया। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेकर भाग निकला। लोगों की भीड़ उस पर मौजूद थी। उनकी जान कैसे बची ये कोई नहीं जानता। आजकल पाकिस्तान का कोई भी टीवी चैनल देखेंगे तो वहां पर आटे के लिए वॉर वाली तस्वीरें देखेंगे। रमजान के महीने में पाकिस्तानी पीएम के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो पब्लिक को भरपेट आटा दे सके। सस्ते और मुफ्त आटे की तकसीम में बदतरीन बद इंतजामी, जिल्लत और ख्वारी शहरियों का मुकद्दर बन गई। गरीब और मुतवस्सिब और मुतवस्सत खानदान आठ आठ आंसू रोने पर मजबूर हो गए। कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, जामपुर, डीआई खान में आटे की तकसीम और मुजर सेहत आटे ने अवाम के दर्द रखने के नाम नहाद हुकूमती दावे का पोल खोल दिया। पेशावर की तस्वीर तो सैंपल है, पूरे पाकिस्तान में यही हालत है। आटे के लिए कई कई लंबी किलोमीटर लाइनें लगी हैं जिसमें महिलाओं से लेकर बच्चे बूढ़े सब खड़े रहते हैं और दिन भर इंतजार करने के बाद भी वहां आटा मिलने की कोई गारंटी नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रावलपिंडी का भी दौरा। इंतजामिया ने वजीर आजम को मामू बना दिया। इंतजामिया ने वजीर आजम के जाते ही म्यूनिसिपल कारपोरेशन में लगाया गया आटा कैंप बंद कर दिया। कैंप के बंद हो जाने के बाद अवाम आटे की तलाश में ख्वार हो गए। आटे के हुसूल के लिए आए शहरी आटे के लिए बगैर ही चले गए। पाकिस्तानी मीडिया खुद बता रहा है कि रावलपिंडी में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दौरा किया, मुफ्त आटा बांटने का ऐलान किया, पर शहबाज के वादों के बाद भी लोग आटे का इंतजार करते रहे।
वज़ीर आज़म का मुफ्त आटा मरकज का दौरा, शहरियों को एक के बजाय तीन थैले देने का ऐलान कर दिया। कहा कि मुल्क की तारीख में मुफ्त आटे का मंसूबा पहली बार शुरू किया गया। पाकिस्तान की तारीख में एक पहला मौका है कि इस तरह का मंसूबा उसको लॉन्च किया गया कि फ्री आटा। माजी में हम यानी सब्सिडाइज आटा हर दुकान पर देते थे, लेकिन इस दफ़ा ये तय हुआ कि फ्री आटा दिया जाए। कल से जिन्होंने अभी तक एक भी थैला नहीं लिया, कल से उनको यकमुश्त तीन थैले मिलेंगे फ्री, ताकि उनको दो बार ना आना पड़े। पाकिस्तानी वजीर आजम के हवा हवाई दावों की पोल खोलने वाली पिक्चर सामने आ गई है। पब्लिक को एक थैली आटा नहीं मिल रहा और शहबाज दावा कर रहे हैं तीन गुना मुफ्त बांटने की। असल में पाकिस्तानी सरकार मुफ्त आटा बांट रही है, लेकिन जिस शहर में भी ट्रक पहुंचते हैं वहां आटा लूटने के लिए हज़ारों की भीड़ पहुंच जाती है। इसी हफ्ते आटा लेने के चक्कर में मची भगदड़ में चार लोगों की मौत हो चुकी है, और जिन्ना के मुल्क में जब तक आटे का संकट रहेगा इसी तरह लूट मार की तस्वीरें आती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, Z मीडिया। Z News.